हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर को समझ लिया था, नाउ अब हम समझते हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड बाय रिड्यूसिंग कार्बोनिल कंपाउंड। देखो, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हम किस तरीके से अल्कोहल का प्रिपेयर करेंगे। तो पांचवा मेथड है बच्चों, बाय रिड्यूसिंग कार्बोनाइल कंपाउंड। मतलब देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन से हम किस तरीके से अल्कोहल को फॉर्म करेंगे बच्चों। ठीक है, काफी इजी है बच्चों। यहां पर मैं अमीन का भी आपको सिखा दूंगा यहीं पर, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिडक्शन। मतलब यहां पर मैं क्या लूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ये यहां पर मुझे क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप सो कि इतना तो आपको आता ही होगा, नॉलेज है इतना तो सिंपल। अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहां पर हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट एज, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, LiAlH4, LiAlH4 और NaBH4, ठीक है, NaBH4। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, जब मैं यहां पर LiAlH4 को डिसोसिएट करूंगा, ठीक है, LiAlH4 को मैंने जब डिसोसिएट किया, तो यहां पर क्या बनेगा, Li+ और AlH4-, ठीक है, यहां पर इस तरीके से होगा बच्चों। ये अगर मैं इसको देखूंगा तो ये आपका किस तरीके से होगा, Na+ BH4-। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कि यहां पर Li+ और AlH4-, यहां पर Na+ और BH4-। नाउ अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, अब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहां पर समझते बच्चों, देखो Li+, और ये आपका यहां पर एल्यूमिनियम, ये आपका एच, ये आपका एच, ये आपका एच, और ये आपका एच, और इसके आगे क्या है बच्चों, यहाँ पर माइनस साइन। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो Na+ BH H H, और ये एच, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ऊपर माइनस साइन। अब ध्यान से देखेंगे तो बोरोन, ध्यान से समझना, बोरोन का क्या होगा, बोरोन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल में, और इसका किसमें बच्चों, 1s में। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग यहां पर किसके बिटवीन हो रही है बच्चों, यहां पर ओवरलैपिंग आपके किसके बिटवीन हो रही है, 2p और 1s के बिटवीन। और यहां पर जो ओवरलैपिंग है, यहां पर क्या है बच्चों, 3p और ये आपका 1s। तो यहां पर आपका जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है बच्चों, यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये आपका किसके बीच हो रहा है, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बिटवीन बिटवीन 3p एंड 1s। अब देखो, यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट BH बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, BH बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एस BH बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एस कंपेयर टू BH बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एस कंपेयर टू एल्यूमिनियम एच बॉन्ड। तो आपका कौन सा बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एस कंपेयर टू दिस। जब ये वाला बॉन्ड अगर आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एस कंपेयर टू दिस बॉन्ड, तो यहां पर अब हम ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं लिखना चाहूं, ध्यान से समझना, यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लेना, यहीं से आपका एक दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहां पर लिखा बच्चों क्या,
एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अगर मैं इसका रिड्यूस या अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर मैंने कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिया, अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों, सी एच थ्री ओ एच, ठीक है, एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बच्चों, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बच्चों, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो है और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, चार, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर आपके चार। जब यहाँ पर आपके चार नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपके कितने हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो हमें, मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जो आपका इजीली क्या डोनेट कर दे, फॉर फॉर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर गुड रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन से दैट, फॉर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, विच कैन डोनेट एच माइनस इजिली। अब देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो बॉन्ड है और इसका जो बॉन्ड है, इसका बॉन्ड आपका वीक है, इसका बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहां पर बच्चों आपको, कि जब आपका इसका बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से समझेंगे, जब मैं बोल सकता हूँ कि इसका बॉन्ड अगर आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूँ कि Li Al H4 आपका क्या हो जाएगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा एज कम्पेयर टू NaBH4, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसको क्या बोला, ये आपका क्या है बच्चों, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका क्या है बच्चों, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से समझना, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ये कुछ ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, लेकिन ये आपके सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहीं पर मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि यहां पर क्या होगा, जब आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, और अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच जो ओवरलैपिंग था, ओवरलैपिंग क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच जो ओवरलैपिंग हुआ वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हुआ, बताओ, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच जो ओवरलैपिंग हुआ वो स्ट्रॉन्ग हुआ कि वीक हुआ, यहां पर जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच जो ओवरलैपिंग हुआ बच्चों वो वीक हुआ, और बोरोन और हाइड्रोजन के बीच जो ओवरलैपिंग हुआ वो स्ट्रॉन्ग हुआ, क्यों, क्योंकि इसका कौन सा ऑर्बिटल बच्चों, इसका 2p ऑर्बिटल और इसका 1s ऑर्बिटल, और इसका 3p ऑर्बिटल, इसका 1s ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल के बीच आपका ज्यादा डिस्टेंस है, बड़ा, यहाँ पर 3p और 1s के बीच का ओवरलैपिंग आपका क्या होगा, वीक होगा एज कंपेयर टू व्हाट, 2s और 1s के। तो ये आपका इजीली एच माइनस डोनेट करेगा, जब ये आपका इजीली एच माइनस डोनेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 आपका होता है बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों, तो अब हम आगे की बातें देखते हैं कि यहां पर क्या होगा, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि यहां पर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, दे देखना, यहां पर LiAlH4 कैन रिड्यूस फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं आपको लिखा रहा हूं कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है बच्चों, ये अब इसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट वन आपका क्या होगा, एसिड हैलाइड, फर्स्ट वन आपका क्या होगा बच्चों, एसिड हैलाइड, ठीक है। एसिड हैलाइड का मतलब RCOCl, ठीक है,
इसको रिड्यूस करेगा, सेकंड आपका क्या होगा, ठीक है, सेकंड आपका एल्डिहाइड, सेकंड आपका क्या होगा बच्चों, एल्डिहाइड आर सी ओ एच, ठीक है, थर्ड आपका क्या होगा बच्चों, थर्ड आपका कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, आर सी ओ आर, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ आपका क्या होगा बच्चों, एनहाइड्राइड, फोर्थ आपका क्या होगा, एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस करेगा, आर सी ओ ओ सी ओ आर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे भी देखते हैं, आगे भी ये आपका रिड्यूस करेगा, ठीक है, अब देखो आगे यहां पर फोर्थ फिफ्थ वन, फिफ्थ आपका किसको करेगा बच्चों, ये आपका यहां पर ये आपका नाइट्रो ग्रुप को भी कर देगा रिड्यूस, कौन से ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, नाइट्रो ग्रुप, कौन सा, एनोटो ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा। सिक्स आपका कौन से ग्रुप को रिड्यूस करेगा बच्चों, ये सिक्स आपका ईस्टर को भी रिड्यूस करेगा, मतलब आर सी ओ ओ आर को भी रिड्यूस कर देगा। सेवंथ आपका किसको रिड्यूस करेगा बच्चों, ये सेवंथ आपका, ये आपका हैलाइड को भी रिड्यूस करेगा, हैलाइड मतलब आर एक्स को भी रिड्यूस कर देगा। एट्थ आपका किसको रिड्यूस कर देगा, यहां पर इपॉक्साइड, इपॉक्साइड मतलब, इपॉक्साइड का मतलब आर, यहां पर आर सी सी आर ओ, यहां पर इपॉक्साइड को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको यहां पर ये रिड्यूस करेगा, ठीक है, आई होप सो कि काफी काफी इजी है यहां पर इसको समझना, इसको एक बार आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ, ये आपको किसको रिड्यूस करेगा, अजाइड को, ठीक है, अजाइड के बाद ये आपको नाइन्थ, टेंथ ये आपको रिड्यूस करेगा, ऑक्साइम को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है, इसके बाद वो इलेवंथ ये आपका, ठीक है, अब वो इमीन को भी रिड्यूस कर देगा, ट्वेल्थ ये आपका रिड्यूस कर देगा किसको, एनिलाइड को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है, एनिलाइड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पी एच एन, एन के साथ कोई वैलेंसी यहां पर जुड़ सकती है, यहां पर सी ओ आर, इस कंपाउंड को भी आपका रिड्यूस करेगा, ठीक है। यहां पर ऑक्साइम क्या होगा बच्चों, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, इसको भी रिड्यूस करेगा, इमीन कंपाउंड मतलब सी डबल बॉन्ड एन आर, इसको भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है। यहां पर आपका एजाइड, एजाइड का मतलब एन थ्री माइनस, इसको भी रिड्यूस करेगा, और 13 नंबर का कंपाउंड में आपको लिखा देता हूं, साइनाइड को भी रिड्यूस कर सकता है, साइनाइड को भी रिड्यूस करेगा मतलब आर सी एन को भी रिड्यूस कर देगा। तो इतने कुछ कंपाउंड है जिनको ये पूरी तरीके से रिड्यूस करता है, जिनको ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको रिड्यूस करेगा। तो ये फर्स्ट, तो मैंने फर्स्ट टाइप आपको लिस्टेड कर दिया। सेकंड ध्यान से समझेंगे बच्चों, सेकंड पॉइंट यहां पर, सेकंड पॉइंट इट कैन रिड्यूस, इट कैन नॉट रिड्यूस, सेकंड पॉइंट इट कैन नॉट रिड्यूस, इट कैन नॉट रिड्यूस एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन एंड अल्कोहल, अल्कोहल के साथ में ही लिख लेना बच्चों, आर ओ आर मतलब नॉन साइक्लिक ईथर, ठीक है, नॉन साइक्लिक ईथर, आर ओ, यहाँ पर आर ओ एच, और साथ में मैं आपको लिखा देता हूँ यहीं पर, ये आपका आर ओ एच, ये आपका आर ओ आर, आर ओ आर का मतलब नॉन साइक्लिक ईथर, नॉन साइक्लिक ईथर, ये इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा। अब कुछ इसी में भी स्पेशल केस, ठीक है, इसी में भी कुछ स्पेशल केस मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इट कैन रिड्यूस थर्ड, इट कैन रिड्यूस एल्कीन एंड एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर कोई लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड, ध्यान से समझेंगे बच्चों, सारी मैकेनिज्म मैं आपको आगे बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। लुईस एसिड के प्रेजेंस में ये आपका किसको रिड्यूस कर देगा, एल्कीन या एल्काइन को, देखो ये
जैसे आपका सी एच थ्री सी एच टू, ठीक है यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इजिली, ध्यान से समझेंगे, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। अब देखो यहाँ पर ए एल सी एल थ्री है, और यहाँ पर अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मुझे दे दिया और एच थ्री ओ प्लस आपका दे दिया, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच थ्री। जब तक ये आपका प्रेजेंस नहीं होगा ये आपके डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, कोई ना कोई आपको क्या चाहिए यहाँ पर लुईस एसिड। आई होप तो कि आपको समझ में आ रहा होगा, इतने स्टेटमेंट तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे काफी। अगर आपने इतने स्टेटमेंट ध्यान रखे बच्चों तो आपका इजिली क्वेश्चन समझ में आपको आने लग जाएगा, ठीक है। फोर्थ वन अब हम समझते हैं, यहाँ पर फोर्थ वन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है, ठीक है। फोर्थ वन से आपका जेई में क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इट कैन रिड्यूस एल्की एंड एल्काइन when present in beta aryl alpha beta unsaturated carbonyl group। मतलब समझ में आपको आ गया होगा, आई होप सो। कि अब देखो यहां पर ये आपका एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस करेगा कब, जब बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप में होगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी कांसेप्ट है, एक एक करके अगर ध्यान से देंगे तो जल्दी से समझ में आपको आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये आपका रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये आपका क्या हो गया बीटा अराइल, ध्यान से समझेंगे मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से होगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच, ठीक है। अब इसका मैं अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दूंगा H3O+ के साथ, तो ये भी तो ये वाला डबल बॉन्ड भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ये आपका ये वाला ग्रुप जुड़ा है, ये आपका अल्फा ये आपका बीटा, देखो बीटा से आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा है अराइल, तो बीटा अराइल, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ठीक है। यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन एब्सेंस ऑफ AlCl3 दिस रिएक्शन कैन बी प्रोसीड। ये रिएक्शन आपका अगर AlCl3 या फिर कोई आपका लुईस एसिड भी नहीं है तो भी ये रिएक्शन आपका पॉसिबल होगा, ठीक है बच्चों। यहां पर अगर मैंने ऐसा कंडीशन लिख दिया, चलो यहां पर ये मैंने ऐसा कंडीशन लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और H3O+ है। अब बताओ बच्चों, देखो ये आपका अल्फा ये आपका बीटा, लेकिन बीटा पे आपका अराइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बीटा पे आपका अराइल ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं है, यहां पर क्या है बच्चों एट बीटा पोजीशन अराइल ग्रुप इज एब्सेंस देन रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोसीड, रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं होगा। ध्यान से समझना, ये रिएक्शन आपका नहीं होगा। तो ये कुछ आपके कंपाउंड है और ये कुछ इसके कंडीशन है जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों, जो कि आपके ध्यान रखने पड़ेंगे और एक एक करके ध्यान से समझेंगे। तो मैं फर्स्ट कंडीशन आपको आज बताता हूँ बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। तो एक एक करके हम सबका रिडक्शन करेंगे बच्चों, एक एक करके। अगर आप लोगों ने ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर अच्छे से समझा होगा, ध्यान से समझना बच्चों, अगर आप लोगों ने ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा तो ये सारे कंडीशन आपको अच्छे से मतलब क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर समझाता हूँ बच्चों आपको, रिडक्शन बाय एल
H4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम इसको समझते ध्यान से कि किस तरीके से होगा। ध्यान से विद मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा, यहां पर मैं मैकेनिज्म भी आपको सारी बताऊंगा, तो ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर मैंने ये ले लिया बच्चों RCOH, ये मैंने ले लिया। अब यहां पर मैंने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ध्यान से समझेंगे तो यहां पर अगर मैं इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करूंगा, अगर मैं इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो अगर मैंने इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया तो यहां पर Li+ और यहां पर Al(H4-). अब ये कार्बोनाइल बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यहां पर क्या जाएगा पार्शियल माइनस, यहां पर क्या जाएगा पार्शियल प्लस। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि प्लस के पास कौन जाएगा, प्लस के पास कौन जाएगा, यहां पर समझने वाली बात यह है कि प्लस के पास आपका कौन जाएगा, प्लस के पास यहां पर Al(H4) अपने में से क्या डोनेट करेगा, H-। तो ये आपका क्या डोनेट करेगा, ये आपका यहां से इसको डोनेट करेगा, क्या डोनेट करेगा बच्चों H-। और यहां से Li+ कहां चला जाएगा, इस पोजीशन पे। तो आपको थोड़ा याद आया होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था ग्रिगनार्ड में, आई होप सो कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों RCO-Li+ और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों H और यहां पर क्या आ जाएगा H। नाउ फर्दर जब ऐसा होता था तो मैं क्या कराता था बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। H3O+ के प्रेजेंस में अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका OH आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा RCH2OH। ये आपका क्या बन गया बच्चों, अल्कोहल। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने मैकेनिज्म को प्रोसीड किया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि देखो यहां पर ध्यान से पॉइंट वाली बात क्या है कि H- इज कम्स फ्रॉम, यहां पर जो आपकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट वाली बात है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर समझेंगे H- वी ऑब्जर्व दैट पहला पॉइंट H- कम्स फ्रॉम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, विच कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, जो आपके किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये आपका आप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इफ वी विल यूज Li Al D4, अगर मैं यहां पर क्या यूज करूंगा Li Al D4, देन D- बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या है बच्चों, ठीक है, सेकेंड स्टेप में देखो यहां पर प्लस माइनस है, अब यहां पर प्लस आया होगा तो ध्यान से समझना, इन सेकेंड स्टेप H+ कम्स फ्रॉम H3O+, ठीक है। अगर मैंने यहां पर इफ वी विल यूज D3O+, देन आपका क्या आ जाएगा बच्चों, D+ आपका क्या हो जाएगा, D+ आपका रिएक्ट करेगा, ठीक है। बस ये आपको कंसेप्चुअली बात को आपको समझना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री तक आपको मैं लेके जाऊंगा बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, एक एक करके समझेंगे ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहां पर, यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब ध्यान से समझना,
यहाँ पर बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के केस में आपका क्या होगा बच्चों, दोनों के केस में आपका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, सिमिलर होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसका रिडक्शन आपको करवाना है, यहां पर मैंने ले लिया क्या बच्चों एल आई एल डी फोर और यहां पर मैंने डी थ्री ओ प्लस ले लिया, ये आपका फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में बात कर लेता हूं, यहां पर मैंने इस तरीके से कोई कंपाउंड ले लिया H, ठीक है ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अच्छा वाला बच्चों, डी फोर और यहां पर मैंने एच थ्री ओ प्लस ले लिया, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया ये आपका इस तरीके से CH3, ठीक है। आपको इसमें प्रोडक्ट में प्राइमरी अल्कोहल बनेगा या टर्शरी बनेगा या फिर आपका सेकेंडरी बनेगा, वो भी आपको बताना है बच्चों, ठीक है। एल आई एल डी फोर और डी थ्री ओ प्लस, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट बताने बच्चों इसमें, तो इसमें प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझेंगे ध्यान से कि सबसे पहले आपका क्या होता था बच्चों, ये आपका पॉइंट इस तरफ जाता था, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, डी माइनस यहाँ से आता था, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बनता था बच्चों, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपका डी लग गया, यहाँ पर ओ एल आई ये माइनस प्लस, देन हाइड्रोलाइसिस कराते थे, हाइड्रोलाइसिस किसके प्रेजेंस में कराना है बच्चों, इस बार डी थ्री ओ प्लस के प्रेजेंस में कराना है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ये आपका डी या आपका ओ डी। अब ये बताओ क्या ये आपका स्टीरियो आइसोमर होगा, क्या ये आपका कायरल सेंटर है, क्या ये आपका कायरल सेंटर है बच्चों, दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी सिमिलर है, ठीक है, असिमेट्रिकल कार्बन होने की वजह से ये आपका कायरल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पर आपका पेयर ऑफ इनेंशियोमर नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका क्या नहीं बनेगा बच्चों, पेयर ऑफ इनेंशियोमर आपका नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं काफी इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर समझते, यहां पर जैसे ही ये आपका इस तरफ अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस, और यहां पर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, यहां पर आपका ओ एल आई ये माइनस और ये प्लस, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों डी, और यहां पर ये आपका सी एच थ्री और ये आपका एच, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब मैं देखता हूं, देखो यहां पर अगर मैं H3O प्लस की बात कर लूं, तो H3O प्लस जैसे ही मैंने डाला यहां पर, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर OH और यहां पर D, यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका CH3 और यहां पर ये आपका H। अब बताओ बच्चों यहां पर आपका क्या बनेगा, देखो ये भी आपका कायरल सेंटर, ये भी आपका कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर क्या होगा 2, लेकिन इसकी पोजीशन हमको क्या कर दी बच्चों, फिक्स कर दी, इसकी पोजीशन हमको फिक्स है। अब केवल और केवल हम किसको, किसका देखेंगे बच्चों मिरर इमेज, इसी का देखेंगे, जब मैं इसको रोटेट करूंगा, इसको घुमाऊंगा, तो यहां पर मुझे केवल और केवल इसकी पोजीशन तो हमको फिक्स कर दी है, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो यहां पर ये क्या बना लेगा बच्चों, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स, ये क्या बना लेगा, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स, ध्यान से समझेंगे, ये आपका क्या बना लेगा, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको प्रोडक्ट और आपको इनेंशियोमर पेयर बनाएगा या डाइस्टीरियोमर्स पेयर बनाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, ठीक है बच्चों। अब हम एक एक करके देखते हैं बच्चों रिएक्शन विद, अगला समझते हैं बच्चों, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड एस्टर एनहाइड्राइड, ठीक है, तीनों के बीच का अब हम रिएक्शन समझते हैं। देखो तीनों में आपका क्या होगा बच्चों, तीनों में मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि सेम कॉन्सेप्ट आपका ग्रिगनार्ड वाला लगेगा, ठीक है, ग्रिगनार्ड वाला आपका लगेगा। तो देख लेते हैं एक एक करके ध्यान से, ये मैंने ले लिया एसिड हैलाइड, ठीक है, RCOCl, इसकी रिएक्शन सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैकेनिज्म के साथ ही मैं बता रहा हूँ बच्चों सारे एक एक करके, ये मैंने लिया एसिड हैलाइड, एसिड
हैलाइड, इसका नाम होगा एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड ये भी बोलूंगा मैं, क्योंकि क्लोरीन मैंने लिया है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने लिया है, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा बच्चों, एच माइनस आएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर खुलेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, आर सी ओ ओ माइनस एल आई प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा एच, यहां पर क्या आ जाएगा सी एल। अब ये आपका नीचे जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या होगा आर सी ओ एच आ जाएगा। नाउ अब क्या होगा बच्चों, यहां पर समझेंगे, अब यहां पर मुझे एल आई एल एच फोर में एक और मोल लूंगा, यहां पर मैं एल आई एल एच फोर एक और मोल लूंगा, तो ये इधर जाएगा और ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या बनेगा आर सी ओ माइनस एल आई प्लस, और यहां पर आपका एच, ठीक है, यहां पर भी आपका एच। नाउ अब आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, अब आपका क्या होगा बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे, तो अब आपका यहां पर क्या होगा, इसका मैं अगर हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा फर्दर, तो यहां पर आर सी एच टू ओ एच बनेगा, मतलब प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, मतलब क्या बनेगा प्राइमरी एल्कोहल। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपका किस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। ये एज अ लिविंग ग्रुप आपका क्या हो जाता है बच्चों, बाहर निकल जाता है, यहाँ पर ये एज अ लिविंग ग्रुप आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप एक दो बार अगर इसको समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, काफी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट अब हम समझते हैं यहाँ पर इन द केस ऑफ ईस्टर, ईस्टर के केस में क्या होगा। देखो बच्चों, अगर आपने यहाँ पर एसिड क्लोराइड का केस समझ लिया, तो ईस्टर का केस आपका रिवीजन ही है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, आर सी ओ ओ आर डैश, ठीक है। नाउ फिर से अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा दी, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में और बताऊंगा। यहां से आपका माइनस वाला पार्ट यहां निकलेगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आर सी ओ माइनस एल आई प्लस, और यहां पर क्या जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर क्या जाएगा ओ आर डैश। नाउ ये आपका इधर जाएगा, ये आपका बाहर निकलेगा, ये आपका बाहर निकलेगा, तो कैसे निकलेगा बच्चों, यहां पर आर डैश ओ माइनस एल आई प्लस, ये इसके साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा आर सी ओ एच, ठीक है। अब इसका मैं अगर हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा, तो यहां पर क्या जाएगा आर ओ एच, और अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं, यहां पर फिर से मुझे एल आई एल एच फोर लूंगा, तो ये आपका इधर जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, तो यहां पर आर आर सी एच, यहां पर क्या जाएगा ओ माइनस एल आई प्लस, ठीक है, यहां पर एच। फिर फर्दर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो यहां पर क्या जाएगा आर सी आर सी ओ, यहाँ पर आर सी एच टू ओ एच आ जाएगा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होगा, ठीक है। सिमिलर कंडीशन आपका किसके लिए हो जाएगा बच्चों, सिमिलर कंडीशन आपका किसके लिए होगा, सिमिलर कंडीशन आपका एनहाइड्रेट के लिए भी होगा, सिमिलर कंडीशन आपका किसके लिए होगा बच्चों, एनहाइड्रेट के लिए होगा। तो अब हम एनहाइड्रेट का कंडीशन देखते हैं बच्चों, तो अब हम यहाँ पर एनहाइड्रेट का कंडीशन भी देख लेते हैं बच्चों, एनहाइड्रेट की कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, एनहाइड्रेट की कंडीशन में आपका क्या होने वाला है उसको भी हम अब अच्छे से समझ लेते हैं, काफी ज्यादा इजी होगा बच्चों, तो देखते हैं एक एक करके समझते हैं हम यहाँ पर। इन द केस ऑफ एनहाइड्रेट, देखो यहाँ पर सी पार्ट एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के कंडीशन में देखते हैं बच्चों, आर सी ओ ओ सी ओ आर, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर सबसे पहले एल आई एल एच फोर, ठीक है, एल आई एल एच फोर। अब यहां पर आपको एक दिक्कत आएगी कि मैं कौन से कार्बोनिल बॉन्ड पे अटैक कराऊं, सबसे बड़ी दिक्कत आपको यह आएगी कि कौन से कार्बोनिल बॉन्ड पे अटैक कराऊं। अब देखो कि यह आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, तो यहां यहां पर भी आपका पॉजिटिव साइन और यहां पर भी आपका पॉजिटिव साइन, जहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर आपका ज्यादा होगा हम वहां अटैक करेंगे। तो मैं इसको हटा के मैं यहाँ पर एग्जांपल अच्छा वाला लेता हूँ बच्चों, सिंपल, यहाँ पर मैं ले लिया सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सी एच थ्री, ठीक है। अब देखो ऐसा है एल आई एल एच फोर,
ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, एच माइनस कैन वी हैव एस न्यूक्लियोफाइल, सो मैग्नीट्यूड ऑफ मोल, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी मैक्सिमम, देन क्या होगा, रिएक्टिविटी टुवार्ड न्यूक्लियोफाइल या फिर LiAlH4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सेम ग्रिगनार्ड रीजन की तरह चलेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं, देखो यहां पर आपका दो प्लस आई, ये ज्यादा प्लस आई लगाएगा, और यहां पर एक ही ग्रुप है तो इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, तो इसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा तो ये कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन ये आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये आपके क्या करेगा बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये आपके कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो आपका अटैक कहाँ करेगा बच्चों, प्लस चार्ज यहाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है, प्लस चार्ज आपका यहाँ मैक्सिमम होगा, देखो प्लस आई है, ये प्लस आई है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, ठीक है। अगर हम सिंपली बात करें कि ये वाले बॉन्ड को मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये वाले बॉन्ड को मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अब ये डोनर ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आपको है ना कम खींच पाएगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करेगा, ज्यादा खींच पाएगा, ये वाला पॉइंट चार्ज आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएगा, या फिर मैं इसका उल्टा बोलता हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इससे ज्यादा वीक है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप वीक होगा तो वी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा तो रिएक्टिविटी को कम करेगा, अगर वीक होगा तो ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर वीक डोनर ग्रुप है, वीक डोनर ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर आपका अटैक करेगा, तो अब यहाँ पर अगर आपका अटैक किया तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, CH3O-Li+, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी सिंपल है, एक दो बार अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर CH2CH3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इट कैन बिहेव एज लिविंग ग्रुप, अब देखो ये आपका नीचे जाएगा, यहां से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा, अब जैसे ही ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, एक आपका CH3H और एक आपका क्या बन जाएगा बच्चों, LiO-, यहां पर CO, CH2CH3, ठीक है। नाउ अब देखो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, CH2CH3, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, CH3CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, LiAlH4 लेंगे तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, CH3CO और यहाँ पर LiAlH4 और हाइड्रोलाइसिस लेंगे, देखो बच्चों ये आपका क्या है, एल्डिहाइड कंपाउंड है, एल्डिहाइड कंपाउंड है तो इसका करेंगे तो यहाँ पर CH2OH, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मुझे रिड्यूस करना है, देखो यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आया, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसका हम यहाँ पर कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को भी, ये आपका ध्यान से समझना, LiAlH4 आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आपका रिड्यूस करेगा, लेकिन कैसे करेगा वो अब हम आगे समझेंगे, देखो यहीं पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर LiAlH4 मैंने ले लिया, ठीक है, देखो यहाँ से माइनस जाएगा, ये ऊपर जाएगा, अभी समझ लेते थोड़ा बहुत, वहां पर मैं एक और बार आपको मैकेनिज्म बताऊंगा इसका, देखो CH2COO-Li+ और यहाँ पर H, यहाँ पर OH, अब क्या होगा यहाँ से ये वाला बॉन्ड अगर आपका नीचे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड बाहर निकलेगा और यहाँ से आपका रिमूव कौन होगा, LiOH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH2C(OH), नाउ फर्दर में अगर एक और बार में LiAlH4 लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, देखो ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, एल्डिहाइड है, अब एल्डिहाइड को कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH2C, यहाँ पर आ जाएगा CH2OH,
आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसिड हैलाइड में मुझको दो मोल एल आई एल एच फोर काम में आया, और वहां पर मैंने ईस्टर में मुझे कितने मोल काम में आए, 2 मोल एल आई एल एच फोर काम में आए। लेकिन यहां पर एनहाइड्राइड में ध्यान से देखो, ये 1 मोल, ये 2 मोल, ये 3 मोल और ये 4 मोल, तो कितने मोल काम में आए, 4 मोल। तो ध्यान से आज का जो आपका समराइज है टॉपिक को मैं एक बार समराइज करके बता देता हूँ बच्चों आपको, ध्यान से समझेंगे मोल के बारे में एक एक करके, फिर मैं आगे और बढ़ूंगा। यहाँ पर इसको काफी डीप में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर एक दो लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है बच्चों, एक दो लेक्चर और इसके होंगे तो उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने बात किया एल्डिहाइड, अब देखो एल्डिहाइड के केस में मतलब CH3COH के केस में आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, एल्डिहाइड के केस में मेरा CH3CH2OH बनता था, और यहाँ पर मुझे 2H लगता था, मतलब 1 मोल LiAlH4। ध्यान से समझना, 2H का मतलब 1 मोल, 2H का मतलब 1 मोल, क्योंकि आपका 1H+ आपका हाइड्रोलाइसिस से आता था, और एक आपका कहाँ से आता है बच्चों, LiAlH4 से आता है, ठीक है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट, ये आपका 1 मोल काम में आता था। उसी तरीके से मैं अगर कीटोन की बात करूंगा तो कीटोन के केस में ये आपका CH3COCH3, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं 2 मोल हाइड्रोजन ही होता है बच्चों यहाँ पर भी यूज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3CHOH, ठीक है, यहाँ पर भी आपका CH3, तो यहाँ पर 1 मोल LiAlH4 काम में आएगा, 1 मोल LiAlH4 काम में आएगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और अगर मैं बात करूँ एसिड क्लोराइड के केस में, तो एसिड क्लोराइड के केस में क्या होगा बच्चों, देखो RCOCl, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं CH3 लिख देता हूँ, ठीक है, इसके केस में अगर मैं LiAlH4 लेता था तो कितने मोल काम में आते थे, 2 मोल, 2 मोल LiAlH4 काम में आते थे, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, CH3CH2OH, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेरे क्या था बच्चों, ईस्टर कंपाउंड था, ईस्टर कंपाउंड का मतलब RCOOR, ठीक है, अगर मैंने इसका कराता था तो यहाँ पर भी मुझे 2 मोल LiAlH4 काम में आते थे, 2 मोल LiAlH4 काम में आते थे, ठीक है, तो जब 2 मोल LiAlH4 काम में आते थे तो यहाँ पर क्या बनता था, RCH2OH, और साथ में क्या बनता था, ROH, ये वाला भी तो बनता था बच्चों, यहाँ पर भी तो मुझे ROH बनता था, इसको मैं R- लिख देता हूँ, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर साथ में आपका LiCl बाहर निकलता था कहीं ना कहीं, ये लिविंग ग्रुप LiCl आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। एक और अब हम ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर एक और था आपका एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड के कंडीशन में क्या होता था बच्चों, एनहाइड्राइड के कंडीशन में आपका क्या होता था, ध्यान से समझेंगे, एनहाइड्राइड के कंडीशन में आपका यहाँ पर मैंने ले लिया RCOOR-H, ठीक है, सॉरी ये नहीं होता, ये तो एस्टर था, ये आपका OR-H, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं LiAlH4 कितने मोल लेता था बच्चों, 4 मोल, 4 मोल का मतलब ये आपका कितने हाइड्रोजन, 8 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 8 हाइड्रोजन का एडिशन होगा बच्चों, 8 हाइड्रोजन का एडिशन होगा। देखो 2H का मतलब, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर आपके कितने हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट हुआ, 4 हाइड्रोजन का। कैसे, देखो यहाँ पर CH3CH2, ठीक है, CH2OH, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, और आपका एक हाइड्रोजन आपका हाइड्रोलाइसिस कराएगा यहाँ पर आपका LiCl का, तो LiOH भी बनेगा और HCl भी बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपका क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे, देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है, हो गया आपका, और साथ में आपका यहाँ पर 4, तो कितने हाइड्रोजन काम में आए, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें भी आगे काम आएंगे, ठीक है, इसमें भी आगे आपके क्या आएंगे बच्चों, काम आएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी Li, यहाँ पर LiH आया होगा, यहाँ पर आपका क्या आया होगा बच्चों, LiH आया होगा, लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर 4 मोल का मतलब 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, RCO, यहाँ पर सबसे पहले क्या बना होगा, इस फ्रेगमेंट से आपका क्या बना होगा, RCH2OH, ठीक है, और इस फ्रेगमेंट से आपका क्या बना होगा,
इस फ्रेगमेंट से भी आपका क्या बना होगा, आर डैश सी एच टू ओ एच, ठीक है। साथ में आपका क्या बाहर निकला होगा, एल आई ओ एच, साथ में आपका क्या बाहर निकला होगा बच्चों, एल आई ओ एच। तो आप समझ सकते हैं, देखो दो दो चार हाइड्रोजन यहाँ हो गए, यहाँ पर छह हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, छह हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर ये आपके दो मोल निकलेंगे, ठीक है, ये आपके कितने मोल निकलेंगे, दो मोल निकलेंगे। तो यहाँ पर भी आपका कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों, एट हाइड्रोजन। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा। अगर ये सिमिलर नहीं हुए तो आपका, तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। काफी इजी कंसेप्ट है, एक बार आप समझेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका कितने मोल काम में आएगा वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किस तरीके से मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म लिखी है वो भी आपको ध्यान से समझना है। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म का एक ही फंडा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इस तरीके से हमको इसको क्लियर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कंपाउंड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर पढ़ेंगे और किस तरीके से रिडक्शन होगा उसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे बच्चों, ठीक है। और आई होप सो कि लास्ट लेक्चर कल का आपका इस कंपाउंड का लास्ट लेक्चर होगा, फिर उसके बाद हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। देन आफ्टर हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।